आपका माल आया है अभी, बैंगन आया है, लेकिन आपको तो करेला बेचने के लिए दिया गया है। ऐसा है कि एपीएमसी जो है वो आढ़तियों से है, आढ़ती एपीएमसी से नहीं है। हर चीज जो है हम मतलब आढ़ती के ऊपर ही पड़ जाती है, वो बारी के ऊपर ही पड़ रही है। सिर्फ एपीएमसी जो है टैक्स दिए जा रही है। बैंगन लेकर आया था और मेरा गेट पास करेला का काट दिया, लेकिन मैंने दोनों बिल्डिंग दी थी उसको बोल के निकाल के दोनों दिखाई थी कि भाई इसका काट बैंगन इसका है। तो उसके बावजूद फिर भी करेला का काट दिया। इस समय हम लोग मौजूद हैं एशिया की सबसे बड़ी मंडी आजादपुर सब्जी मंडी के अंदर। आजादपुर सब्जी मंडी की बात की जाए, हम आए दिन आजादपुर सब्जी मंडी के अंदर हो रहे हर गलत काम की आवाज उठाते रहते हैं। आज आपको हम बता दें कि आजादपुर सब्जी मंडी के अंदर एक ऐसा मामला आया कि एक गाड़ी वाला बैंगन लेकर आता है, लेकिन उसका जो गेट पास है वो करेले का काट दिया जाता है, जिससे जो उसकी बिल्टी है वो दो है लेकिन गेट पास एक ही काटा जाता है, जिससे एपीएमसी की जो फीस है उसमें भी मार्केट फीस में भी नुकसान होगा, व्यापारी को भी नुकसान होगा। लेकिन इसमें क्या धांधली है ये हम जानते हैं ड्राइवर से कि जो गेट पास है वो एक क्यों काटा गया, क्या मामला था, क्या दिक्कत परेशानी है, नाम क्या है? मैनेजर खान। क्या मामला था, क्या दिक्कत है? ड्राइवर जगह आया था मेरा गेट पास करेला का काट दिया, लेकिन मैंने दोनों बिल्टी दी थी उसको बोल के निकाल के दोनों दिखाई थी कि भाई इसका काट बैगाना इसका ही। तो उसके बावजूद भी फिर भी करेला का काट दिया उसने, तो अब हमें भी दिक्कत है, व्यापारी को भी दिक्कत है, उसमें सबको दिक्कत है। तो आपने उनको जाके बताया नहीं था कि मेरे पास दो बिल्टी है, आप दो गेट पास काटिए, क्या था? मैं गया था वहाँ पे, दोबारा भी गया था, तो उसने बड़ी बदतमीजी से बात की हमसे, तो बात नहीं की, क्योंकि वही बंदा आएगा फिर कब कटेगा कि नहीं कटेगा, कि आप 2 बजे आएगा, 1 बजे आएगा, 12 बजे आएगा। अच्छा, तो फिर वहाँ से गया, आ गया, फिर दोबारा गया, फिर भी हमसे दोस्तों में लगा जी। हमारे साथ व्यापारी मौजूद हैं जिनका माल जो बैंगन आया था लेकिन करेला बना दिया गया, लेकिन अब इन्होंने क्या बेचा है, बैंगन को करेला कैसे बनाया गया, गेट पास के अनुसार उसको बैंगन को करेला बना देते हैं आजादपुर मंडी के अंदर। जी मेरा नाम पंकज कुमार भरेजा है और मेरा फर्म का नाम है कुमार डी 421 नंबर दुकान नंबर है। ये मसला ये था कि ये बैंगन की गाड़ी आई थी और इन्होंने बैंगन का गेट पास ना काट के करेले का गेट पास काट दिया, और इसमें दो फर्म का माल था एस कुमार का, तो ये बैठे इनके सतपाल मदन लाल फर्म है 422 नंबर, इनका गेट पास कटा ही नहीं उसके अंदर, और ये करेले का इन्होंने जो गेट पास काटा है 15 रुपए किलो बैंगन बिक रहा है और 40 रुपए करेला बिक रहा है, तो इतना जो ये डिफरेंस है उसका मार्केट फीस का वो कौन भरेगा बताएं? 5 या 6 हजार रुपए आड़त चढ़ेगी, तो उसके अंदर से 2 हजार रुपए तो हमारे को उसके अंदर नुकसान ही हो गया। अब ये देखिए, ये इसके अंदर जो गेट पास कटा हुआ है ये करेले का कटा हुआ है, और ये दो चिट्ठियां देखिए, एक ये चिट्ठी है एक ये चिट्ठी, इसके अंदर ये जो फर्म है SM इसका जो है गेट पास कटा ही नहीं, तो इतनी गैर जिम्मेदार है APMC, और APMC को इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और ये जाते हैं ड्राइवर तो इनका गेट पास जो है ठीक नहीं किया जाता, उसके बाद उनको उल्टा सीधा बोला जाता है, कोई गाली दे रहा है, उसको बदतमीजी कर रहा है, तो ये APMC की जो है हरकतें हैं। और APMC हमारे से इतना टैक्स वसूलती है, उसके बाद भी हमारे को ये सहूलियत नहीं दी जाती है। ऐसा है कि APMC जो है वो आढ़तियों से है, आढ़ती APMC से नहीं है। तो इसके ऊपर आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? इस पे ये कार्रवाई चाहते हैं, ये ठीक करके दे हमारे को, ये ठीक हो जाना चाहिए, हमको जाना ना पड़े, यहीं पे कार्रवाई होनी चाहिए सारी की सारी, ताकि जाके ये जो जहाँ गेट पास कटता है वहीं पे जाके ये दे दिया जाए और वो खुद ही कार्रवाई करके दे और इसको ठीक कर दे। मतलब APMC छोटी लापरवाही के कारण आप लोगों को एक तो इतनी परेशानी दे रही, साथ की साथ जो नुकसान होगा वो अलग है, और ये इतने जो चक्कर लगवाते हैं बार बार, जो ड्राइवर जा रहा है बार बार, और मैं भी गया गेट पे, तो ये क्या मतलब है हमारा, तो कोई मतलब इतनी बार जाने के बावजूद भी उन्होंने कुछ नहीं है जी, वो उल्टा सीधा इसको बोल रहे थे, तो मैं गया तो वहाँ पे जाके उसको बोला भी सही, तो उसको बोला तो बोले एक घंटे के बाद जो है वो आएंगे, वही ठीक करेंगे, हम नहीं ठीक कर सकते। गाड़ी नंबर क्या है जिसपे माल? गाड़ी नंबर ये लिखा है जी 455-1-76-30। आपका माल आया है अभी, बैंगन आया है, लेकिन आपको तो करेला बेचने के लिए दिया गया है, इनका गेट पास कटा ही नहीं, मतलब बैंगन को ये लोग करेला बना देते, फिर इसको ठीक भी नहीं करते।
मतलब ऐसे लापरवाही से मतलब चलता है, क्या रेट का फर्क आता है इसमें, क्या आपको दिक्कत? अच्छा, तो इसका भी नुकसान आप लोगों को झेलना पड़ता है। लेकिन वहाँ पे जो है रेट जो लिख के जाते हैं वो 60 रुपए किलो ही लिख के जाते हैं, उस बाद में जो है जो फ्लक्चुएशन होती है मार्केट की, जो ऊपर नीचे होता है, उसका किसी भी प्रकार का कोई हमारे को कोई मतलब कि उसका कोई मुआवजा नहीं है उस चीज का, ना कोई असेसमेंट में होता है, ना किसी तरीके का। हर चीज जो है अब मतलब आड़ती के ऊपर ही पड़ जाती है, व्यापारी के ऊपर ही पड़ रही है, सिर्फ एपीएमसी जो है टैक्स लिए जा रही है और उसके बाद जो है कोई कार्रवाई तो होती नहीं। क्राइम की समस्या भी इतनी बढ़ती जा रही है मंडी के अंदर, हर चीज जो है मतलब एपीएमसी जो है कोई भी किसी तरीके से साथ नहीं है। ये थे हमारे बीच में जो मंडी के व्यापारी थे जिनको बैंगन का करेला बनाकर दे दिया एपीएमसी के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण। जितना जो नुकसान है, जो रेट का डिफरेंस है, वो इनको अपनी जेब में से भुगतना पड़ेगा। लेकिन अब ये देखने वाली बात है कि व्यापारी इस पर क्या कदम उठाते हैं और एपीएमसी अधिकारी इसको संज्ञान में लेते भी हैं कि ये लापरवाही आगे भी चलती रहेगी। मैं जसविंदर सिंह, P24 न्यूज।